स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। इफ सिग्मा सी एन कन्वर्जेस, ये जो सीरीज है वो कन्वर्ज है, एंड एफ एक्स इक्वल टू दिया है एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी सी एन एस की पावर एन, एस का रेंज माइनस वन से वन के बीच है, देन लिमिटेशन एक्स टेंडिंग टू वन, एफ आप एस इक्वल टू प्रूव करना है सिग्मा एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी सी एन। तो दिस इज द गिवन सीरीज, यह दिया गया श्रेणी है, इसको ओपन करेंगे तो आएगा सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस प्लस सी एन एन वन। एस एन, एस एन क्या होगा, इसका पार्शियल सम होगा, इसमें एन टर्म्स लेंगे सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस एन वन सी एन, बी आप पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज, दिए गए श्रेणी का आंशिक योगफल है, अगर एन के प्लेस पे एन माइनस वन रखे तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स एन है, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स एन माइनस वन आएगा, इसमें एक टर्म ज़्यादा है, मतलब इसमें एन टर्म्स है, इसमें एन माइनस वन टर्म्स है, इन दोनों को अगर माइनस करें तो केवल सी एन मिलेगा, सारे टर्म कैंसिल हो जाएगा, केवल सी एन बचेगा। अब हम निकाल रहे हैं समीशन एन इक्वल टू जीरो टू एम सी एन एक्स की पावर एन, सी एन की वैल्यू रख दिए एस एन एस की पावर एन एस एन एस एन माइनस वन, ये हमने इक्वेशन नंबर वन से रखा। अब सिग्मा दोनों में ऑपरेट होगा, एस की पावर एन का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जीरो से एम तक है, हमने जीरो से एम माइनस वन लिखा, एक टर्म हमने कम किया इसका तो एक टर्म हमने यहाँ लिख दिया, ऐसे में मतलब एन इज इक्वल टू एम वाला टर्म यहाँ नहीं है आएगा, तो टर्म को हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे आप देखिए अगर एन माइनस वन को आप एन बनाओगे, यहाँ पे अगर वन प्लस करोगे तो यहाँ भी वन प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ वन माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एन इज इक्वल टू माइनस वन से एम माइनस वन आएगा, लेकिन एन इज इक्वल टू माइनस वन अलाउ नहीं है तो एन इज इक्वल टू जीरो ही लिखना पड़ेगा। जब यहाँ वन प्लस करोगे, यहाँ भी वन प्लस करोगे तो यहाँ वन माइनस करना पड़ेगा, यहाँ भी वन माइनस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ माइनस वन हम लिख नहीं सकते, है ना, एन इक्वल जीरो, मिनिमम वैल्यू जीरो लेना है, तो माइनस वन हम लिख नहीं सकते, तो एन इक्वल जीरो ही लिखेंगे, एन इक्वल जीरो से एम माइनस वन एस एन एस की पावर एन प्लस वन। अब यहाँ से एक्स बाहर निकाल दिया जाएगा, इन दोनों में सिग्मा कॉमन है, ए लाइन आ जाएगा। अब लिमिट लगा रहे हैं एम टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट लगाए थे एम टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा ये। अब एस का, एस के वैल्यू वन से छोटा है, याद रखना एक्स इज लेस देन वन, जब एक्स वन से छोटा है तो इसमें जब लिमिट लगाएंगे एम टू इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा, वन से छोटी क्वांटिटी में अगर हम लिमिट लगाए तो वो जीरो हो जाता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो वन बाई टू, वन बाई टू वन से छोटा है तो वन बाई टू का अगर इन्फाइनेट पावर करेंगे तो वन बाई टू की पावर इन्फिनिटी वन बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाता है। तो याद रखना अगर एक्स लेस देन वन है तो एस का इन्फिनिटी पावर जीरो आएगा, कोई जो क्वांटिटी जो जिसका वैल्यू वन से छोटा है उसका इनफाइनाइट पावर करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, इस प्रकार से हमें वैल्यू मिलेगा, ये आप देखिए इस प्रकार से मिल जाएगा ये, है ना, यहाँ पर जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है एम टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ भी इन्फिनिटी आ जाएगा, ये आ जाएगा इस प्रकार से, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, वन में से इसको बाहर निकाल दिए, इसका जो वैल्यू है इसका वैल्यू वन होता है, इसका वैल्यू क्या होता है वन, ये आप देखिए जी वन में से इसका होल इनवर्स एक फार्मूला है, याद रखना इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसका वैल्यू वन होता है, तो इसका वैल्यू वन पुट कर दिए, इस प्रकार जाएगा, यहाँ सिग्मा दोनों में ऑपरेट हुआ है ना, एस एन की वैल्यू हमने ये लिख दिया है, एस एन के प्लस पे लिखा है, ये वैल्यू वन हो गया। अब एन टेंडिंग टू, यहाँ देखो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हमने लिखा था, है ना, एन को जब इन्फाइनाइट की तरफ लेंगे एन को क्या लेंगे इन्फिनिटी, एन को इन्फिनिटी क्यों लिखेंगे क्योंकि एन इक्वल जीरो से इन्फिनिटी है, एन करेंगे पूरे इन्फिनिटी तक है, जब एन को इन्फिनिटी करेंगे जहाँ के इक्वल जीरो से इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इस प्रकार से के की जगह एन लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा, तो इसको आप नोट कीजिए, जहाँ डाउट आता है हमसे पूछिए।